उसकी फैन फॉलोइंग को बीट करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेम की बात करें तो मैंने ज्यादा बेटर प्ले किया जो मुझे भी फील हुआ, और बाहर निकल के भी मैं उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि सब वो सिचुएशन मेरे से दूर रहे मिलने के बाद में, पर वो बॉन्ड चलेगा। हाँ, कल डोंगरी जाने का प्लान है। तो आप किसी जोन में होते हो तो आपको उससे निकलने के लिए किसी और जोन में जाना पड़ता है। प्रियंका जो लास्ट, वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनका बर्थडे था तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो हेलो एवरीवन, दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद अभिषेक कुमार जो बिग बॉस 17 के घर से अभी निकले टॉप 2। कंग्रेचुलेशन। पहला सवाल तो मुझे आपसे ये पूछना है कि सब आपकी अग्रेशन के बारे में बहुत बात कर रहे थे, क्या आपका अग्रेशन अब जाके कम होगा बिग बॉस के घर के बाहर, या सिर्फ वो बिग बॉस के लिए था? नहीं मैम, मैं हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड और बट मैं उस पर वर्क करना चाहूँगा, और मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ दोबारा से, मैं कामली हर चीज़ को हैंडल करना चाहूँगा। आपको पता है आपके फॉलोअर्स कितने हुए? कितने? 1.5 मिलियन। आपको वो खबर आ गई पर आपने अभी तक फोन नहीं देखा? मैंने किसी और का यूज किया ना इंस्टाग्राम। तो आपने देख लिया था। और पहले घर के पहले कितने फॉलोअर्स थे आपके? 500 समथिंग। क्या बात करो, इतने आपके बढ़ गए, कैसा लगा वो देख के कि इतनी फैंडम हो गई और मुनावा जो इतने टाइम से उसको प्यार मिल रहा है आप वही लेवल पे पहुंच गए? मुझे यही था कि मतलब उसकी फैन फॉलोइंग को बीट करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेम की बात करें तो मैंने ज्यादा बेटर प्ले किया जो मुझे भी फील हुआ, और बाहर निकल के भी लोगों ने फीडबैक दी थी तू डिजर्व करता था, बट वो फैंस की वजह से जो इसके पहले से ही हैं, जो कि उसने खुद से ही कमाया ऑब्वियसली, उसकी वजह से तू आ गया, बट अगर गेम की बात की जाए तो तूने बेटर प्ले किया। मैंने ईशा से बात की थी घर के बाहर, उसने कहा था कि वो खानजादी और आपको एज अ कपल देखना चाहती है एंड शी फील्स कि आप दोनों वर्कआउट करेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे खानजादी पसंद तो है, बट जैसे मैं अंदर भी बोलता था कि स्टेप फॉरवर्ड लेने से पहले मैं काफ़ी चीज़ें देखना जानना, वो भी मुझे जानना चाहेगी ऑब्वियसली, तो हम टाइम स्पेंड करेंगे, अगर कुछ हुआ तो ओके, नहीं तो फ्रेंड्स तो हम हैं। पर क्या आपको खानजादी सीरियसली पसंद है, जो आप फ्यूचर सोच सकते हो खानजादी के साथ, या फिर वो सिर्फ शायद थोड़ा फ्लर्टिंग था, थोड़ा कैजुअल था? फ्लर्टिंग तो थी। हाँ, फ्लर्टिंग करते करते थोड़ा हो गया था, अट्रैक्शन हो गया था, प्यार नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलूंगा, मतलब मैं मिस नहीं कर रहा हूँ टाइम, बट मेरे को अट्रैक्शन हो गई थी उससे बात करना, उसके साथ बैठना पसंद था, अभी भी मैं मिलना चाहूँगा, और मैं एक्चुअल में उसको मिलना चाहूँगा कि मैं मिलूँ और देखूँ ईशा के साथ। और अपनी पर्सनल लाइफ में आपने इतने उतार चढ़ाव देखे, क्या कांटेक्ट रहेगा या नहीं, कैसा नहीं, होगा यहाँ से? मैं उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि सब वो सिचुएशन मेरे से दूर रहे। स्टार्टिंग में आपने ये भी कहा था कि समर्थ ईशा के लिए अच्छा है क्योंकि उसको अच्छे से रखता है, आज भी वही ओपिनियन है? जो भी कुछ हुआ उसके बाद, जब काफ़ी सिचुएशंस देखता हूँ और देखता हूँ कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता, मैं ओ भाई मैं तो क्या ही कर देता, और ये कितने अच्छे से हैंडल कर रहा है, तो वो अच्छे से ही हैंडल करता है, और मुझे लगता है कि अच्छा है समर्थ ईशा। और मुनावर के लिए बहुत लोगों ने कहा कि उसने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जितना आप स्ट्रांगली स्टैंड आपने लिया था, कभी आपकी बात हुई उसके बारे में घर के बाहर कि यू नो वी आर ऑन द स्टेज पर आप जीत गए पर यू नो मैंने गेम बेटर प्ले किया है? नहीं नहीं, अभी मेरे कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों के पास आ गए, हमें एकदम से दूर दूर कर दिया, चलो 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 चलो, मैं क्या की हो गया, मतलब फैमिली से भी अच्छे से नहीं मिल पाए, तो अभी वो इधर है, मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी मिलेंगे बाद में। पर वो बॉन्ड चलेगा? हाँ, कल डोंगरी जाने का प्लान है। डोंगरी में अभी बहुत ज्यादा मतलब सेलिब्रेशन जैसा हो रहा है, फेस्टिवल जैसा हो गया, मतलब अगर मैं जीतता तो हम प्लान किया था कि हम पंजाब जाएंगे, तू जीतेगा तो डोंगरी जाएंगे, तो वो जीता तो डोंगरी। और यू नो आपने टेलीविजन पे भी बहुत सारे आपकी गलतियाँ एडमिट की है, कहीं ना कहीं वो डर था कि मेरी रेपुटेशन पे ये कैसा असर पड़ेगा, मैंने इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ हो गया, इतना अग्रेशन मैंने अपना रियल साइड दिखा दिया, पर कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने लोग देख रहे, कभी ऐसा लगा कि ये अगर मेरी रेपुटेशन पे उल्टा पड़ा तो? नहीं मैम, ऐसा नहीं था, मुझे यही था कि अगर आप पर्सनैलिटी शो में आए हो तो आपकी रियल जो पर्सनैलिटी है वो दिखानी चाहिए, कितना भी हाइड कर लो वो चीज़ कभी ना कभी वहाँ पे तो निकल ही जानी थी,
तो जो जो आता गया, जो जो मैंने किया था एक्सेप्ट किया, जो जो मैंने नहीं किया था वो जो झूठे झूठे इल्जाम थे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो सच था वो था जो नहीं था, बट मैं उस पर बिल्कुल प्राउड नहीं। बस वो डेढ़ दो साल पहले की बात थी जो अभी तक निकलती आ रही, और मैं उसका प्रायश्चित कर चुका हूँ। मैं 6 महीने बेड पे रह चुका हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा चुका हूँ, मैं 3 महीने ऐसे रह चुका हूँ, 3 महीने बिग बॉस में रह चुका हूँ, तो अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इस चीज़ से मेरे को बरी कर दो। पर जैसे ईशा ने कहा कि आप अफेक्टेड थे, पर आप वो ब्रेकअप के बाद वो 6 महीने बेड पे थे, पर आपने गोवा का ब्लॉग भी डाला है, आप गोवा में पार्टी करने गए थे, आपने एक बार गुस्से में फ़ोन भी तोड़ा है जो ब्लॉग में है, उसने घर के बाहर आके ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो मैं सच क्या है, क्या आप एक्चुअली वो स्टेट में थे? क्योंकि जब हमने आपकी माँ से बात की तो आपकी मॉम ने बोला आप सो नहीं पाते थे, आप उठ जाते थे, पर ईशा ने दूसरे साइड पे बोला कि आप गोवा में पार्टी कर रहे थे। पहले उसने एक्सेप्ट क्यों किया बिग बॉस में मुझे नहीं पता, और गोवा में प्रियंका का बर्थडे था, और जब आप किसी जोन में होते हो तो आपको उससे निकलने के लिए किसी और जोन में जाना पड़ता है। प्रियंका जो लास्ट वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनका बर्थडे था तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ जाना ज़रूरी था, तो वहाँ मैं गया था। बट एक उस जोन से निकलने के लिए, बट मैं कहीं भी जाता था वो जोन मेरे साथ ही जाता था, तो काफ़ी मुश्किल था। बट ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि उस बारे में मैं ना बात करके कुछ अच्छा माहौल है। नील और रिंकू जी ने आपके लिए स्टैंड लिया था घर के बाहर कि अभिषेक सही खेल रहा है। रिंकू जी ने कहा घर में अगर मैं किसी से कनेक्ट हुई सबसे ज़्यादा तो वो अभिषेक है। मुनावर के पहले भी और नील ने भी आपके लिए बहुत स्टैंड लिया, जब भी लोग आपको पोक किया गया था आप घर के बाहर गए थे, उस पर आपका क्या कहना, क्योंकि कुछ रियल रिश्ते आपने बनाए। हाँ, नील भाई और रिंकू जी, नील भाई के साथ जाते जाते बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, और मुझे उनमें कहीं ना कहीं अंकित भाई की छवि दिखती है, जो काम शांत है ना, लवेबल, तो इसलिए मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और रिंकू जी ने मेरे उस टाइम पे मेरा साथ दिया था जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, समर्थ के आने पर जब उसके बाद जब मैं और अग्रेसिव मूवमेंट में चला गया था, तो रिंकू जी मेरे को समझती थी कि अच्छा ये इसलिए कर रहा है, तो इसलिए उनके साथ भी वो बॉन्ड रहा, तो उन्होंने बताया, हमने सपोर्ट किया, मुझे पता था वो लोग कर रहे होंगे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। लास्टली, जाने से पहले आप जब घर से वापस आए थे अंदर, हमने एक अलग अभिषेक भी देखा था जो ज़्यादा सुलझ गया था, ज़्यादा चीज़ों को समझने लगा था, बेटर वे ऑफ डीलिंग हो गया था आपके लिए, व्हाट चेंज जब आप घर के अंदर आए थे? नहीं, वो मम्मा के आने के बाद हुआ था। जब मम्मा आई थी तो उन्होंने मेरे को समझाया था कि तू बहुत अच्छा जा रहा है, बस ये जो तू 2-4 गलतियाँ कर रहा है ये अगर तू नहीं करेगा तो तू और बेटर हो जाएगा, तो मैंने उसके बाद से अपने गुस्से पे उसके बाद मैंने किया ही नहीं गुस्सा, आई थिंक एक दो बार मतलब मैंने शांति से अच्छे से हैंडल करना चाहा। थैंक यू सो मच अभिषेक, हमसे हम आपसे और लंबी बात करेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।